सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो भाई, अगर आप यहां पर वीडियो का टाइटल पढ़कर आए हैं तो निश्चय है आप सरकारी नौकरी के तलाश में हैं। तो भाई, आपने काफ़ी सारी वैकेंसी भरी, टेस्ट दिए, पर योग नहीं बन रहा, पास नहीं हो रहे। तो आप क्लियर करना चाहते हैं कि आपके हाथ में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके हाथ में सरकारी नौकरी है या फिर आप प्राइवेट नौकरी करेंगे या फिर खुद का बिजनेस करेंगे। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब है इस वीडियो में, बने रहिएगा। पर उससे पहले भाई, एक लाइक, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर शुरुआत करने से पहले एक ज़रूरी बात जो मैं हर वीडियो में बताता ही हूँ कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सब्सक्राइबर का जिन्होंने परमिशन दी अपने हाथ की फ़ोटो हमारी वीडियो में दिखाने के लिए। और अगर आप भी चाहते हैं अपने हाथ को पर्सनली एनालाइज करवाना तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का, जाकर वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अब शुरुआत करेंगे पर्वतों से जो हमारी उंगलियों के नीचे बनते हैं, जैसे कि गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत और बुध पर्वत। तो बात करेंगे इन दो पर्वतों की, शनि पर्वत और सूर्य पर्वत। शनि पर्वत, पहले तो ये हमारे कार्य और अगर कोई भी हम काम करते हैं तो उनका लेखा जोखा रखते हैं। और इसी के साथ जो सूर्य पर्वत है वो हमारा मजबूत होना चाहिए। तो जो हमारी भाग्य रेखा है और इन दो पर्वतों के साथ हम जान सकते हैं यहाँ पर कि आपकी सरकारी नौकरी होगी, प्राइवेट होगी या फिर खुद का बिजनेस करेंगे। तो आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं प्राइवेट जॉब और बिजनेस के साथ। तो आपका किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है और प्राइवेट जॉब करने के इच्छुक हैं, और इसी के साथ अगर आपके घर में बड़ों का चलाया हुआ है बिजनेस पहले से ही, या फिर खुद उस बिजनेस को चला के आप उसे और बढ़ाना चाहते हैं अपने मन मुताबिक, तो इन्हीं दो पॉसिबिलिटीज़ के लिए है एक रेखा जो आपकी लाइफ लाइन से निकलती हुई, माइंड लाइन को चीरती हुई और हार्ट लाइन को भी निकलती हुई यहाँ पर पहुँच जाए शनि पर्वत की ओर। तो इस प्रकार से पॉसिबिलिटी हम देख सकते हैं। इनकी रेखा भी आए, आप ये देखिए जा रही है जो शनि पर्वत की ओर। तो भाई, इनको मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो ज़्यादा रहेगा इंटरेस्ट वो रहेगा प्राइवेट जॉब की ओर या फिर खुद अपने मन मुताबिक अपनी सभी इच्छाओं को, सुविधाओं को पूरा करने के लिए आप करेंगे बिजनेस। तो ये आ गई है एक रेखा। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब बात करते हैं सरकारी नौकरी की। तो भाई, कौन नहीं करना चाहता सरकारी नौकरी? अगर सरकारी नौकरी है तो भाई आसपास के एरिया में सभी आपको एक मान देते हैं और आपको एक संतुष्टि रहती है कि भाई सरकारी जॉब है तो सभी सुविधाएं हैं, सारी उम्र की रोटी है। तो भाई ऐसी नौकरी कौन नहीं करना चाहेगा? तो इसका भी योग बनता है हाथ में, पर यहाँ पर लोग मेहनत करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं जब उनको नतीजा उनके मन मुताबिक नहीं मिल पाता। तो अब बात करते हैं, इस डाउट को क्लियर करते हैं एक रेखा के साथ जो आपके लाइफलाइन से ही निकलेगी, और वो है ये जाती हुई सूर्य पर्वत की ओर कुछ इस प्रकार। अब जैसे कि इनकी रेखा तो गई शनि पर्वत की ओर, पर यही रेखा मुड़कर और चली जाए सूर्य पर्वत की ओर। तो भाई ऐसी रेखा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोषमुक्त होनी चाहिए। दोषमुक्त मतलब बिना कटी फटी, लहरेदार ना हो, सीधी चली जाए पूरी गहरी सूर्य पर्वत की ओर। तो भाई इनके यहाँ पर चांसेस रहते हैं 90% सरकारी जॉब की। और अगर आप मेहनत करते हैं, वैकेंसी भरी हुई है तो मौका मिलेगा, मौका नहीं चूकना है, बस मौके को संभाल लेना है और आपकी सरकारी नौकरी में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब एक ज़रूरी बात, अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो आप जानते होंगे कि मैंने एक रेखा बनाई जो लाइफ लाइन से निकलती हुई शनि पर्वत की ओर जाती है, जैसे कि इनके हाथ में जा रही है, और एक और रेखा बनाई जो लाइफ लाइन से ही निकली और जाती है सूर्य पर्वत की ओर। तो इसके पीछे के रहस्य तो आप जान ही गए हैं। अब एक पॉसिबिलिटी आपको बताता हूँ कि जो शनि पर्वत की ओर जा रही है रेखा, उसमें से एक रेखा निकले और सूर्य पर्वत की ओर जा रही रेखा को क्रॉस कर दे, तो इसके पीछे क्या है? तो यहाँ पर अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो कीजिए। आपको 30 साल की उम्र तक
जो है सुविधाएं इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी जो आपने मन में सोची थी, और आपको संतुष्टि भी मिलेगी। पर अगर आप इंटरेस्ट बढ़ा दें सरकारी जॉब में, थोड़ी सी मेहनत और कर लें, तो आपको सरकारी नौकरी पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये है वो रेखा, दोनों पॉसिबिलिटीज इसमें क्रिएट हो रही हैं, 50-50 चांसेस हैं। कुछ भी आप, अगर आपके मन में इच्छा है तो कीजिए, आपको ज़रूर 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 सफलता मिलेगी। और इसी के साथ यहाँ पर अगर आपके जीवन में है कोई और समस्या और चाहते हैं समाधान हस्तरेखा से, तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में हस्तरेखा की प्लेलिस्ट का, जाएं विजिट कीजिए, अपनी समस्या का समाधान आराम से ढूंढिए। और अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल हो इस वीडियो के रिलेटेड, कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर, तब तक के लिए नमस्कार।